हाय फ्रेंड, देखिए ये सैमसंग का मोबाइल है, E1200i इसका मॉडल नंबर है। इसमें दिक्कत ये है कि ये चार्जिंग तो होता है लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होती है। देखिए इसको लगा के देखते हैं, आपको दिखाते हैं। चार्जिंग तो शो हो रहा है कि चार्ज हो रही है लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होती है। देखिए यहाँ पे देखिए चार्ज हो रहा है ये, लेकिन बैटरी चार्ज ही नहीं होती है। इसका मतलब है कि हमारे बैटरी को जितना वोल्टेज चाहिए चार्ज होने के लिए, उतना वोल्टेज हमारे बैटरी में नहीं पहुंच रहा है। चलिए इसको खोल के देखते हैं कहाँ पे दिक्कत है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देखिए हमने बैटरी को खोल लिया है, ये बैटरी के कनेक्टर हैं। यहाँ पे चेक करेंगे वोल्टेज कितना शो हो रहा है, मीटर से चेक करेंगे। मीटर को 20 की रेंज में रखेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज दो वोल्टेज के आसपास यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, 1.95 वोल्टेज आ रहा है, यानी दो वोल्टेज के आसपास आ रहा है, इसलिए चार्जिंग शो हो रहा है। लेकिन इतना वोल्टेज हमारी बैटरी के लिए पर्याप्त नहीं है, हमारी बैटरी के को कम से कम 4 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज चाहिए तभी हमारी बैटरी चार्ज होगी, फुल होगी। इसको खोल के देखते हैं इसमें कहाँ पे फॉल्ट है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें तभी समझ में आएगा। हम हर तरह की वीडियो लाते हैं, हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। देखिए हमने मोबाइल को खोल लिया है, यहाँ पे चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे फॉल्ट है। ज़्यादातर इसकी चार्जिंग आईसी है वही ख़राब होती है तभी ऐसी दिक्कत आती है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोब को हम ग्राउंड करेंगे, यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज दो वोल्टेज के आसपास यहाँ पे वोल्टेज शो हो रहा है, इतने में हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये डायोड लगा है, यहाँ पे चेक करेंगे कितना वोल्टेज। ये देखिए यहाँ पे 5 वोल्टेज के आसपास आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चार्जिंग ऐसी लगी हुई है, इसके आसपास जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वहाँ पे चेक करेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए 5 वोल्टेज के आसपास सप्लाई आ रही है, इसका मतलब ये आईसी ही ख़राब है, ये आईसी ही वोल्टेज कम निकाल रही है इसलिए बैटरी हमारी चार्ज नहीं हो रही है। देखिए ये वोल्टेज कम निकाल रही है, 1.96 के आसपास निकाल रही है, वही वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, देखिए 2 वोल्टेज के आसपास आ रहा है। हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आपके पास ये आईसी हो तो आप ये आईसी चेंज कर सकते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये आईसी नहीं है तो हम यहाँ से एक जम्पर देके बीच में डायोड लगाएंगे, डायोड लगा के हम यहाँ पे सप्लाई को देंगे। डायोड के ज़रिए हम सप्लाई को देंगे, डायोड को लगा देंगे जिससे कि वोल्टेज जो 5 वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज कम हो जाएगा। देखिए ये डायोड है, इसको हम चेक करेंगे मीटर से, देखिए एक तरफ से ये रीडिंग शो करता है एक तरफ से नहीं करता है, इसका मतलब ये डायोड सही है। देखिए ये डायोड को हम लगाएंगे यहाँ पे, एक जम्पर लगा के डायोड को लगाएंगे तो वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा, 4 वोल्टेज के आसपास हो जाएगा, इससे कम।
क्योंकि 4 वोल्टेज से कम रहेगा तभी हमारी बैटरी चार्ज होने लगेगी और बैटरी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक देखिए, यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2 वोल्टेज आ रहा है। यहीं पे हम इसको कनेक्ट करेंगे, एक जम्पर लेंगे, जम्पर को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। हम हर तरह की वीडियो लाते हैं, मोबाइल से रिलेटेड, टीवी से रिलेटेड, अब हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए, एक हमने वायर लिया है, ये जम्पर वायर है। ऐसा वायर लें जिसमें जिसके ऊपर पेंट लगा हो, ताकि ये कहीं भी टच हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही साधारण वायर मत ले लें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, कहीं पे टच हो गया तो फॉल्ट मार जाएगा। इसलिए जम्पर वायर ही लें जिसके ऊपर पेंट लगा होता है। पेंट को हम निकाल लेंगे आराम से। ऐसे देखिए, पेंट को हम निकाल लेंगे थोड़ा सा। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे जो 5 वोल्टेज आ रहा था, ये आईसी के बगल में जो कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा था, यहीं से हम जम्पर को लगाएंगे। अब हम यहाँ पे डायोड को लगाएंगे, ये डायोड है। डायोड में भी माइनस प्लस का पॉइंट होता है, इसलिए चेक करके लगाएं ताकि सप्लाई हमारे बैटरी कनेक्टर तक आ सके। उल्टा लगा देंगे तो सप्लाई नहीं आएगी, इसलिए चेक करके लगाएं। यहाँ पे चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे चार्जिंग को लगाएंगे, इस तरह से लगा के चेक करेंगे कि जो हमने जम्पर लगाया है वहाँ तक वो कितनी सप्लाई आ रही है। देखिए, हमने जम्पर लगाया, देखिए यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा है। अब ये डायोड को लेंगे, अब डायोड को लगा के चेक करेंगे कि सप्लाई डायोड के ज़रिए आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए, ये पॉइंट उल्टा है, अब इस तरफ से घुमा के चेक करेंगे। देखिए, ये पॉइंट सही है क्योंकि यहाँ देखिए सप्लाई आ रही है, देखिए 4 वोल्टेज के आसपास आ रही है। ये वोल्टेज कुछ ज़्यादा दिखा रहा है। दूसरा डायोड हम लगाएंगे यहाँ पे, 4 वोल्टेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैटरी आपकी ख़राब हो सकती है, इसलिए 4 वोल्ट के नीचे वाला ही डायोड लगाएं। डायोड कई प्रकार के आते हैं, कम वोल्टेज के भी आते हैं, ज़्यादा वोल्टेज के भी आते हैं, इसलिए 4 वोल्ट से जो नीचे हो 1-2 पॉइंट वही लगाएं, ताकि हमारी बैटरी में कोई दिक्कत ना हो। ये डायोड को हम बैटरी के प्लस वाले पॉइंट में हम कनेक्ट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे आराम से ये सेट हो जाएगा, इसलिए इसको इसके कनेक्टर के पीछे ही हम इसको लगा देंगे। देखिए, हमने इसको यहाँ पे सेट लगा दिया है 1 पॉइंट को। अब दूसरे पॉइंट को हम जम्पर से कनेक्ट कर देंगे, जो हमने जम्पर को लगाया है। ये जम्पर का वायर जो हमने लगाया है, इसको हम दूसरी तरफ दूसरे सिरे में यहाँ पे
कनेक्ट कर देंगे। इसको अच्छे से लगा देंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए हमने इस तरह से यहाँ से जम्पर को लगाया है और इसके पीछे हमने एक डायोड को लगा दिया है, डायोड से जम्पर को कनेक्ट कर दिया है। अब इस तरह से नीचे की तरफ को कर देंगे ताकि ये बराबर अच्छे से उसमें सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लगा के देख लें, कोई दिक्कत ना हो, इसको सही से बिठा दें ताकि इधर उधर कहीं पे टच ना हो, नहीं तो और भी दिक्कत हो सकती है फ़ोन में। कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से सेट हो जाएगा। इसको चेक करेंगे, हम चार्जिंग को लगाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कितनी सप्लाई आ रही है हमारी बैटरी कनेक्टर में। देखिए कनेक्टर में चार्जर को लगाएंगे, चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए यहाँ पे 4 वोल्टेज के आसपास आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में हमारी बैटरी खूब आराम से चार्ज होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डायोड के आगे हमने चेक किया तो वहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे देखिए 4 वोल्टेज के आसपास आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको पैक कर देंगे, बैटरी हमारी चार्ज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप छोटा डायोड भी लगा सकते हैं यहाँ पे, वोल्टेज 4 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप छोटा भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप इस तरह का डायोड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम फिट कर देंगे आराम से। कोई भी मोबाइल हो, इस तरह से आप किसी भी मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं अगर उसकी आईसी नहीं मिल रही है। अगर आईसी मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आईसी ही चेंज कर दें। लेकिन अगर आईसी नहीं है आपके पास तो डायोड आप लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, पर 4 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज नहीं आना चाहिए, नहीं तो बैटरी आपकी जल्दी ख़राब हो जाएगी। और कोई दिक्कत तो नहीं होगी लेकिन बैटरी आपकी ख़राब हो जाएगी, इसीलिए ध्यान रखें कि अगर डायोड लगा के आप चार्जिंग बना रहे हैं तो 4 वोल्टेज के ऊपर नहीं होना चाहिए। देखिए हमने चार्जिंग को लगाया, देखिए बैटरी चार्ज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी हमारी फुल हो जाएगी। क्योंकि जब तक 4 वोल्टेज के आसपास नहीं बैटरी को पावर मिलेगा तो हमारी बैटरी नहीं चार्ज होगी। इस तरह का फॉल्ट अगर किसी भी फ़ोन में आता है तो आप इस तरह से चार्जिंग को बना सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।